हाय, कैसे हैं आप लोग? और बहुत ज़्यादा समझिए, दुख की बात है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई, हम लोग आए हैं यहाँ नेपाल, नेपाल में काठमांडू, इधर क्या कहते हैं, घूमते घूमते आ रहे हैं, जैसे विराटनगर उधर घूमते 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 काठमांडू पोखरा इधर सब आए, मतलब जा रहे हैं हम लोग, मतलब बढ़ ही रहे हैं, लक्ष्य हम लोग का इधर है और हम लोग बढ़ ही रहे हैं। और क्या ना बताएं, जब एक कहावत होता है कि जब ऊंट पर बैठे बौना को कुत्ता काट लेता जब किस्मत खराब होता है, ये बात सही है, कहीं ना कहीं बात सही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भाई लोग, कि जैसे ही हम यहाँ आए, मेरा जो प्लानिंग था वो प्लानिंग भी फेल हो गया है ना, प्लानिंग फेल हो गया। हम इससे पहले वाला वीडियो में भी बताए थे कि क्या करने वाले थे, क्या हो गया। फिर उसके बाद होता क्या है कि हमारे घर से फोन आता है कि मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, अभी मेरी माँ का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, और बताइए हम क्या करें। शायद अब लगता है ऐसा कि अब टूर को शायद हमको रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम सोचे थे लगभग कम से कम एक महीना तो कंटिन्यू बाहर रहेंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा ये कहते थे कि भाई क्या एक ही चीज़ दिखाते रहते हो, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। अब आप ही लोग बताओ, जब हम बाहर हम लोग आए तो बाहर में इस टाइप का ही हो जाता है, मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है इसीलिए। और क्या ना बताएं भाई, और आप लोग वीडियो भी नहीं देखते हैं, बताइए, खाली अब ऐसा लगता है कि खाली बोलने के लिए लोग होते हैं। कभी कभी देखिए, हम लोग किसी के साथ क्या ही करेंगे, हम लोग आप ही से गिला सिकवा है और आप ही से शिकायत है, आप ही से रूठेंगे और आप ही लोग से को मनाएंगे, आप ही लोग के पास हंसेंगे, आप ही लोग के पास गाएंगे, आप ही लोग को हंसाएंगे, यही है हम लोगों का, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं बताइए। आप लोग का कमेंट का हम रिस्पॉन्स लिए और बोले नहीं, जब भाई लोग कहिए रहा तो चलिए एक बार अच्छा खासा जगह एक बार चला जाए। पैसा एक एक दिन में ऐसा ऐसा खर्चा होता है कि भाई दिमाग ख़राब हो जाएगा, समझे, लेकिन फिर भी हमने दिल पे पत्थर रख के फिर भी हम मतलब चल रहे हैं, समझिए समझिए, क्या होगा, कर्जे ना होगा, कम से कम भाई लोग को दिखा तो देंगे, भाई लोग का प्यार बनने लगेगा, तो आज ना कल धीरे धीरे बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना। तो ये सोच के हम लोग वीडियो कंटिन्यू रख रहे हैं, नहीं तो देख सकते हैं इधर रूम देख लीजिए, रूम एक एक रूम ऐसा रूम है कि मतलब 500 रुपया भारू उधर वाला है ना, एक रूम 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार का है, 2 रूम है इधर सीधा 8-8 हज़ार का। और क्या बताएं लोग, मम्मी के बहुत तबीयत खराब है, बहुत टेंशन हो गया, अच्छा भी नहीं लग रहा है घूमने में, बेकार लग रहा है, अब क्या करेंगे लोग, आ गए लोग फंस गए इधर, अब बहुत ज्यादा देखिए हो सकेगा तो कल परसों हम लोग निकल जाएंगे घर, बहुत जल्दी अब निकल जाएंगे। और आप लोग से विनती है कि क्यों ऐसे आप लोग करते हैं भाई, बताइए, आप ही लोग पे बात, आप ही लोग के बात पे आए और आप ही लोग वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हैं, बताइए, पता है हमको कि आप हमारा फैमिली लोग देखना पसंद करते हैं, फिर भी हमने आप लोगों का कमेंट का रिस्पांस लिया और इतना ज़्यादा दूर आ गया, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया मेरे पास, बहुत ज़्यादा समझिए दुख है अभी मेरे पास, क्या ना बताएं भगवान, मतलब अब क्या ना कहें, बयान नहीं कर सकते। अभी हम जैसे ही जगे, जग के उस वाला चैनल पे जैसे वीडियो शूट कर रहे थे तभी मम्मी का फ़ोन आया, और अभी उसके बाद घर में कोई नहीं है, घर में है हमारे भाई साहब हैं और भाभी हैं, बाद बाकी सभी बिजी रहते हैं, घर पे नहीं रहते हैं, है ना, तो भाई साहब अकेले क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं खुद का दुकान है, बिजनेस है खुद का, तो इसीलिए मम्मी को कल इलाज करवाने के लिए वो लोग ले जाएंगे हॉस्पिटल, क्योंकि आज मम्मी को बोला गया तो आज डॉक्टर वगैरह आए थे, जो हो पाया मतलब किया दवाई दारू, तो अभी थोड़ा मतलब ठीक है, थोड़ा मतलब ठीक है, फिर भी उठ नहीं पाती है, चल नहीं पाती है। अगर आप लोग चाहें जाएंगे डॉक्टर यहाँ, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं हमारे भाई के चैनल पे, समझे। सो चलिए भाई, यही कहेंगे कि विनती करेंगे आप लोगों से कि हमारा हेल्प करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करिए, कॉमेंट लाइक शेयर कर दीजिए, इससे ज़्यादा क्या भी कह सकते हैं आप लोगों से। चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।